आपको दिखाऊंगा कि ओप्पो का जो न्यू मॉडल निकला है, ओप्पो K9s जो न्यू मॉडल निकला है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये ओप्पो K9s मोबाइल नवंबर या दिसंबर के बीच में ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। तो ये मोबाइल बहुत अच्छा है, मैंने फीचर भी देखा है दोस्तों। तो दोस्तों, और बाकी जानकारी मैं मेरे मोबाइल में जाके दूंगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं हमारे मोबाइल पर। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इस मोबाइल के कलर के बारे में। तो इसका ये मोबाइल सिंपली 3 कलर में निकले वाला है, तो एक ब्लैक, एक वाइट और एक मिक्सिंग कलर है, तो आप देख सकते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे मोबाइल के कैमरे के बारे में। तो दोस्तों, इसमें 3 कैमरा होंगे, एक होंगे 64 MP, एक होंगे 8 MP, एक होंगे 2 MP और एक फ्लैश लाइट होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम दूसरी बात करें तो रैम की, तो रैम होगा दोस्तों आपका 6 GB और 8 GB दोस्तों। ये दो रैम में निकलेगा, 6 GB और 8 GB दोस्तों इस रैम में निकलेगा। और दोस्तों, इस मोबाइल के स्टोरेज के बारे में बात करें तो इस मोबाइल का स्टोरेज होगा 128 GB और इसका बैटरी एमएच होगा 4880 mAh का बैटरी। और दोस्तों, इसका डिस्प्ले की बात करें तो 6.59 का डिस्प्ले होगा। और इसका दोस्तों गेमिंग प्रोसेसर अभी तक दिया नहीं है, तो जब आएगा तो मैं आपको बोल दूंगा दोस्तों इसके। और दोस्तों, इस मोबाइल के दाम के बारे में भी बात करें तो दोस्तों, ये मोबाइल दो रैम में निकलने वाला है, और एक है 6 GB और एक है 8 GB। तो दोस्तों, 6 GB का होगा करीब दोस्तों 15,000 के करीब, और 8 GB का होगा दोस्तों सोचे दोस्तों मॉडल 18,000 या 20,000 में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये मोबाइल आप चाहे तो ले सकते हैं दोस्तों। ये इस मोबाइल का फीचर भी बहुत अच्छा है, और दोस्तों इस मोबाइल का रेट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और ये मोबाइल सिर्फ चाइना में निकला है दोस्तों। ये मोबाइल इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो ये नवंबर या दिसंबर के आसपास इंडिया में लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, और दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं दोस्तों। Oh.